इश्क मरीज मेरा 14th सिंगल है इस साल का फ्रॉम माय रिकॉर्ड लेबल गरुड़ म्यूजिक. एक म्यूजिक कंपनी मैंने लॉन्च की फरवरी में और अब तक 14 गाने रिलीज किए, इंडिपेंडेंट गाने हैं. जहलीन मेरी स्टूडेंट है फ्रॉम दिस वर्टिकल कॉल शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो हमने शुरू किया 2020 में. शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक और ग्लोबल स्कूल्स ने साथ में मिलकर GIS शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक की शुरुआत की. इनके स्टूडेंट है जहलीन, जो 17 साल की लड़की है, और ये इनका पहला ग्लोबल रिलीज गाना है. ये सब मेरी कॉम्पोजिशंस है और ये सजाने वाले ये लोग हैं. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से इश्क मरीज के लिए. मैं वहाँ से उतरा था वो स्टेज से जो सारेगामा में कंटेस्टेंट था जी. तब मैंने ठान ली थी कि अब मैं आऊँगा तो सिर्फ जज बन के आऊँगा. तो उसको पॉजिटिवली अपने आप को चैलेंज करना ये बहुत जरूरी. मेरा लास्ट कोलैबोरेशन श्रेया घोषाल के साथ था, राइट, बारी बारी. उसके पहले अरिजीत के साथ था कसम से. तो बहुत सारे ऐसे गाने नए सिंगर्स के साथ और पॉपुलर सिंगर्स के साथ भी आ रहे हैं. माई म्यूजिक वीडियोज आर वेरी रियल, इट्स मोर के विजुअली आपको जो ग्रैंड जैसे ग्रैंड वीडियोस बनते हैं पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में, ऐसे आपको नहीं देखने मिलेंगे. आपको बहुत रियल चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. आई थिंक हर आर्टिस्ट यही चाहता है ज़िंदगी में कि एक ऐसा काम करो कि आप ज़िंदगी भर आपको लोग याद करें. तो कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जैसे बिन तेरे हो या इश्क वाला लव हो या मेरा हनुमान चालीसा हो या ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंसान के दिलों तक इतने करीब आ चुकी है कि वो नाम गाने का नाम के साथ आपका नाम ऐसे जुड़ जाता है कि वो फैंस वेट करते हैं आपके गाने के. हेलो एवरीवन, दिस इज गायन एंड यू आर वाचिंग देसी चैनल. और आज जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, फैबुलस सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं. यस, वी हैव विद अस शेखर रविजानी. वेलकम टू देसी चैनल सर. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर इश्क मरीज. और हम तो आपकी आवाज़ के भी मरीज हैं और जैसा टैलेंट आप लेके आ रहे हैं दैट इज कमेंडेबल, क्योंकि ऐसे टैलेंट को पहचान दिलवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहेंगे आप इश्क मरीज के लिए, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. इश्क मरीज मेरा 14th सिंगल है इस साल का फ्रॉम माय रिकॉर्ड लेबल गरुड़ म्यूजिक. एक म्यूजिक कंपनी मैंने लॉन्च की फरवरी में और अब तक 14 गाने रिलीज किए, इंडिपेंडेंट गाने हैं. जहलीन मेरी स्टूडेंट है फ्रॉम दिस वर्टिकल कॉल शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो हमने शुरू किया 2020 में. शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक और ग्लोबल स्कूल्स ने साथ में मिलकर GIS शेखर अफजानी स्कूल ऑफ म्यूजिक की शुरुआत की. और उनके स्टूडेंट है जहलीन, जो 17 साल की लड़की है, और ये इनका पहला ग्लोबल रिलीज गाना है. ये सब मेरी कॉम्पोजिशंस है और ये सजाने वाले ये लोग हैं. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से इश्क मरीज के लिए. लिखा गया है रजत अरोड़ा साहब ने लिखा है इसको. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इसका रिएक्शन इज़ फैंटेस्टिक ऑन द यूट्यूब वीडियो एज वेल एज द All the DSP platforms. Right. शेखर, कहीं ना कहीं जहलीन जैसी जिस उम्र में है, एक उम्र इसी उम्र में आपकी भी शुरुआत हुई थी जब आप बतौर कंटेस्टेंट गए थे एक रियलिटी शो में और उसके बाद उसमें जज बन के जाना. लाइक वो जो टाइम था ना जब आप एज ए कंटेस्टेंट वहाँ पे गए और चंद पॉइंट से आप फर्स्ट पोजिशन पे नहीं आए, वो जो बार था उस ड्यूरेशन में जब आप वहाँ पर जज बन के गए, वॉट वॉज दैट टाइम, क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक जरूर रहती है कि फर्स्ट पोजिशन हमेशा याद रहती है लोगों को, लेकिन आप उस पोजिशन पे जब जज बन के आए तो आप सबके दिलों में सबके घर में बस गए. आई थिंक हर आर्टिस्ट के लिए रिजेक्शन बहुत जरूरी है जिंदगी में. ओके. एक रिजेक्शन मिलना, उससे क्या होता है कि थोड़ी ताकत बनती है उसमें. आजकल क्या सबको वाह 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 करके एक उसके उससे भी कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन साथ में एक जब रिजेक्शन आता है तब अंदर से थोड़ा वो दर्द महसूस होना जरूरी बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को चैलेंज, उसको नेगेटिविटी में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको पॉजिटिविटी में आपको खुद को चैलेंज करना है कि अभी आप वापस आएंगे तो जज के तौर पर आएंगे, वरना आप यहाँ वापस नहीं आएंगे. पर मुझे तो जब मैं वहाँ से उतरा था वो स्टेज से जो सारेगामा में कंटेस्टेंट था, तब मैंने ठान ली थी कि अब मैं आऊँगा तो सिर्फ जज बन के आऊँगा. क्या बात. तो उसको पॉजिटिवली अपने आप को चैलेंज करना
ये बहुत जरूरी है। राइट, और जज बन के जो आपने प्रॉमिसेस किए वो निभाए भी सबके साथ, और रिसेंटली भी एक प्रॉमिस किया है जो मैं सुन रही थी कि ये जल्दी एग्जीक्यूट होने वाला जी, है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। शेखर, जैसे भी आपने इश्क सूफियाना गीत भी किया था आज से कुछ साल पहले, उसमें कमल खान की आवाज़ थी, पंजाबी जो वॉइस है या पंजाबी म्यूजिक है वो बहुत बूम में चल रहा है आजकल, तो क्या हम देख सकते हैं जैसे आपके सिंगल्स आ रहे हैं उसमें हम कुछ अलग वेरिएशन आपके उसमें देखे पंजाबी स्टाइल ऑफ म्यूजिक में? गरुड़ म्यूजिक का एक गाना है वजदा जो कमल खान ने गाया है मेरे लिए, तो वो आप जरूर सुनिएगा। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी जैसे अभी ज़हीन के साथ जो फर्स्ट ट्रैक आया है, इन फ्यूचर और कोलैबोरेशंस आपकी आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारे कोलैबोरेशंस आ रहे हैं। मेरा लास्ट कोलैबोरेशन श्रेया घोषाल के साथ था, राइट, बारी बारी, उसके पहले अरिजीत के साथ था कसम से। तो बहुत सारे ऐसे गाने नए सिंगर्स के साथ और पॉपुलर सिंगर्स के साथ भी आ रहे हैं। राइट, और जो हम वीडियो की बात करें, अगर हम पंजाबी म्यूजिक की बात करें तो वहाँ पर क्या रहता है, वीडियो इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, वहाँ पर वीडियो तो बस बड़े बजट वाली होनी चाहिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बट अगर मैं गरुड़ म्यूजिक की बात करूँ, आपकी बात करूँ, तो टॉप प्रायोरिटी जो है ऑब्वियसली म्यूजिक ही रहता है, और साथ ही साथ वीडियो को इस तरह से दिखाया जाता है कि लोगों को पता चले कि म्यूजिक कैसे क्रिएट होता है, कितने टाइम लगता है, और क्या क्या चैलेंजेस एक आर्टिस्ट के लिए भी होते हैं। जब वीडियोज़ का आया था कि यार ऐसी अब गरुड़ म्यूजिक पे वीडियोस डाल दिए, तो वो क्या क्राइटेरिया था, तो टेक इट रॉ में लेते हैं तो इसको? एक, हाँ, तो बेसिकली ऐसा था कि दो डायरेक्शंस थे, एक डायरेक्शन ये है कि बड़े स्टाइल का म्यूजिक वीडियो हो, बहुत स्टाइलिश जैसे पंजाबी चलता है, तो मजा आता है मुझे देख के, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरा है कि रियल रिएक्शंस जो है वो हम कैप्चर करें, तो मैंने रियल रिएक्शंस का डायरेक्शन मैंने चूज किया कि स्टूडियो के अंदर हो या श्रेया और मैं ऐसे ही कॉफी पी रहे हो या पूरा दिन हम लोग बैठ के बातें कर रहे हो, तो वो कैप्चर किया जाए। राइट, तो माय म्यूजिक वीडियोस आर वेरी रियल, यू नो, इट्स मोर के विजुअली आपको जो ग्रैंड जैसे ग्रैंड वीडियोस बनते हैं पंजाबी म्यूजिक वीडियोस में, ऐसे आपको नहीं देखने मिलेंगे, आपको बहुत रियल चीजें आपको देखने मिलेंगी। जी, मुझे लगता है म्यूजिक तो समुंदर है जिसमें गहराई में जाना ही पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल है, रिसेंटली आपने एक अपने फैन की एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ लिखा था कि वो आपके म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं, एंड उन्होंने यहाँ एक वर्ड लिखा था स्पेसिफिकली, ही इज अंडररेटेड आर्टिस्ट, बट आई थिंक दैट यू हैव सेट अ डिफरेंट बेंचमार्क इन द इंडस्ट्री की जहाँ पर न्यू टैलेंट भी आपके साथ काम करना चाहता है और आपके सॉन्ग्स का लोगों को इंतजार रहता है, जब फैंस भी आपके काम की वेट करते हैं उस टाइम पर क्या रिएक्शन रहता है? आई थिंक हर आर्टिस्ट यही चाहता है ज़िंदगी में कि एक ऐसा काम करो कि आप ज़िंदगी भर आपको लोग याद करें। तो कुछ गाने ऐसे हैं जैसे बिन तेरे हो या इश्क वाला लव हो या मेरा हनुमान चालीसा हो या ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंसान के दिलों तक इतने करीब आ चुकी है कि वो नाम, गाने का नाम के साथ आपका नाम ऐसे जुड़ जाता है, राइट, कि वो फैंस वेट करते हैं आपके गाने के लिए। Right. So I'm very blessed to have fans like those. Thank you so much. जल्दी फिर से मिलते हैं वहाँ पर, लंबी चौड़ी बात करेंगे, अब तो समय भी थोड़ा कम है। All the best and we wish कि ऐसे ही back to back गरुड़ म्यूजिक में ऐसे ही गाने आते रहे, यंग टैलेंट को पहचान मिलती रहे। Thank you so much.